नुआ रंग पाउची बिजु बाबूंक डाकोटा विमान मार्च दिन दाबी परे भाग भाग होई उड़ीसा पहुंचीथिला बिजु बाबूंक डाकोटा विमान तबे एठी भुवनेश्वर टर्मिनाल एक नंबर आघरे चली एक प्रस्तुत जगह चलती जो रही बिजु बाबूंक डाकोटा आम सहित अच्छा अधिकारी मैंने जो मैंने इनस्टल कर आलोचना करने सहित सर क्या बोले गे? किस प्रकार का विमान है बिजु बाबू का जो ऐतिहासिक ये उनका ऐतिहासिक विमान है वो खुद ही फ्लाई किए थे इस एयरक्राफ्ट को एंड हम लोग वी प्राउड फॉर दैट कि वो विमान हमारे पास में आ गया है और हम उसको अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया गया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है उस चीज को करने के लिए थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हमें चेष्टा करूचु हम पूरा प्रोसेस हमें लागू गवर्नमेंट रो भी पूरा सपोर्ट रही मैंने लगी प्रकार इंजिन रही बिजु बाबू रेडियल इंजिन पिस्टन रेडियल इंजिन इनस्टॉल एंड पिस्टन इंजिन रेडियल इंजिन पिस्टन इंजिन इनस्टॉल दिन लगे कम कर नहीं आउ कम नहीं आम ऑलरेडी जो टाइमिंग फ्रेम आउट कराई ता भीतर आम कर कम्प्लाई कर पारू बोली भावुचु लेट प्रे टू गॉड एंड आमे ओडियावासी समस्ते आमे वी आर ट्राइंग टू जिते लोक लगी के कम्प्लाई कर पांच तारीख भितर जन्मदिन को आमे गिफ्ट दवापे ऑलमोस्ट मोर देन 50 to 60 इंजीनियर्स आर देयर यंग मास यंग इंजीनियरिंग फोर्स आर देयर दे आर ऑल्सो वर्किंग विथ अस मान भी कम कर सपोर्ट मैन पावर सपोर्ट देखते कम कर डाकोटा रही पूरा विश्व परिचय रही पुनर्जीवित कर अनुभव प्राउड फॉर मी ऑलरेडी आई टोल्ड वी प्राउड फॉर दिस गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वर्क ये रहिला जुग जुग को रहिला एयरक्राफ्ट आ केते वर्ष पुराना एयरक्राफ्ट फेर आम ये करुचु फेर अनदर केते वर्ष वी प्राउड फॉर दैट वी मे नॉट बी देयर बट एयरक्राफ्ट विल बी देयर फॉर आवर पीपल जमी जगे जो एक जमी सब सब जिन जानी कारण बिकज वी आर फोकसिंग टू द एयरक्राफ्ट एंड टाइमिंग अच्छे भितर सारे चेष्टा कर सहित आज जन अधिकारी अच्छा आलोचना करवा सर आपने डाकोटा विमान काम लगी पुनर्जीवित कर रंग दि चलती रोच अनुभूति कौन कौन सब जिन कर अनुभूति तो बहुत रोज कहीं बिजु बाबू जन ओडिशा महापुरुष थे सबुठ खुशी विषय आम ओडिया लोक जी रोचे देवाशीष महांती जीएम इंजीनियरिंग सी निजे निज हाथ ही कम कर मिसिकी कम कर सब बड़ मानते खुशी खबर बेली पोजीशन मेन पार्ट रहुची जो कि दीटा इंजिन लगुची रेडियस पिस्टन इंजिन प्रोपेलर तासत अटैचमेंट रहुची फ्यूजलेज रहुची सब प्रकार एटा को मेन तो कुहा जीवो जमती मनीषर बॉडी हेड जो जहा ये सेटा को हमें कुहा जीवो वर्तमान जदि देखिबा विमान रहुची वर्तमान विमान ए बिबो बाबूको विमान बिदरे आपण माने कोन फरक देखुचो फरक तो बहुत ये होची माने भल एयरक्राफ्ट जे कि बहुत हाई आल्टिट्यूड भी फ्लाइंग करिपारिबो हेवी इंजिन या कुहा जीवो रेडियस इंजिन प्रोपेलर अलग एयरक्राफ्ट रे इंजिन कभर रहुची एतरे कभर नो प्रोपेलर पर बाहर ही रहुची एटीआर मॉडल भी बाहर रहुची ये भी सही बाहर है किंतु यार यूनिक अच्छी एयरक्राफ्ट रे कितने दिन है आपन मन लागिले एटा को इंस्टॉल हम तो डिसेंबर 18 तारीख रे आसी हम पहुचिलु कलकत्ता रो भुवनेश्वर ता भीतर हम चले कम सब रही कम सब प्रकार कम सरी कम सम रही केवल इंस्टॉल कम ही रही भीतर इंटीरियर कम चल बहुत सब जल्दी सरी कारीगर लगे इंजीनियर तो पाखापाखी 7-8 जन इंजीनियर लगे टेक्नीशियन टोटल कुल मिला के 40 जन पाखापाखी डेली काम चलिए जमीन आउ कौन सब आकर्षण विमान विमान तो सबुठ बड़ जिन बिजु बाबू तो स्वर्गत बिजु बाबू सी तो चलीगले सतक रोज ये बड़ जिन केते वर्ष होला अन्य लोक मैंने भी चेष्टा कर अन्य कंपनी भी चेष्टा आनी पारी ना किंतु मैंने सौभाग्य विषय कि जगन्नाथ देश में सार जे अच्छा पूरी लोक सी निजे ही निज हाथ से ही निजे टेंडर ये करी निजे ही सी इंस्टॉल कर बड़ मानते खुशी विषय प्रथम अनुभूति जानते बिजु बाबू विमान विमान कम कर स्पर्श कर देखो आमको बहुत खुशी लगेगा कि आम जिते पहुंचल कालकाटा जा सर्वे करने निजे खुद देवाशीष महांती मु चंदन कुमार पंडित मुझे जाइली 60 वर्ष जन बुढ़ा केके पंडा एजेट ओल्ड मैन जाते
तो से रात 6 बेले आमको लागिगला पास बनवाप से गला पूरा जंगल लेकिन सर पड़ी था जंगल लेकिन पड़ी था सब डरले भी कि साप अच्छी ये अच्छी मानते से आम इन्स्पिरेसन हो कि आमको किसी डर भय लगे आम से तत्णात से रात सन्दे ही आम गलु एयरक्राफ्ट भितर गलु सर्वे कलु मेजरमेंट नेलु केमती कौन ताको अनइनस्टल कर तापरे देखिकी नेक्स्ट डे ठू प्लानिंग थिला सरला पर आम आसबू किंतु नेक्स्ट डे एत मान आमको इन्स्पायर मिलगला नेक्स्ट डे ठू आम काम स्टार्ट होगा मुझे ही एपी सब बन सब स्टार्ट कर मुझे ईर थी देन नेक्स्ट डे ठू काम स्टार्ट आई गाड़ी रे भाग भाग कर अनुभूति अनुभूति कहले न सर लोक मान भल पाइबा समस्त सहयोग आमको मानते पूरा अनुप्राणित कर रास्त जो प्रकार लोक मैंने आमको बहुत खुशी लगला ये प्रोटेक्शन एत भल पाए विजु बाबू न थी एत भल पाइबा रोचे तो विजु बाबू आज थे कौन मानते नई था आम राज्य मानते बहुत किसी आग को जाता मुझे भावुची जहा मु अनुभूति जहां ही करुच्ची लोक आसिक फूलमा चंदन सबकि अर्पण करमक बहुत खुशी लगे कि आम अर्गानाइजेसन कम करजु बाबू जहाज कम कर खुशी लगे मुख्यमंत्री भी आसिक बापा निश्चित मानते मानते कईंडली मानते एत बड़ से लोक निज बापा जहाज से निजे आसी फूल अर्पण करी निजे भी आम देखीचु सारों सहित आम फोटो भी उठेचु निजे भी कांधी पकेले आमर नवीन पटनायक निजे कांधी पकेले गोटे जिन जानवाक चाहिए आप गोटे उद्यमान युवक हिसाब से विजु बाबू से समय बाहज को लेकिन विभिन्न देश को जाते विभिन्न ऐतिहासिक पदक्षेप नौते एवर आप इंजीनियर हिसाब से जहाज को पुनर्जीवित कर बहुत पेनली आमको बहुत कष्ट कहीं एभलिया जहाज मानते नुआ करी आमे करूचु आमे एयरबस अन्यान्य जहाज सब करीचु ये माने एत्ते हेवी वेट रो जहाज बहुत खुशी लागुचे विजु बाबू को ना नै आमे काम करी चलचु किछ असुविधा नै निश्चित रूपे आपण माने देखुथिले विभिन्न प्रकार इंजीनियर माने थिले जो माने विजु बाबू को ए होउचे सेही जहाज विभु वर्तमान आपण देखुथिबे एयरपोर्ट सम्मुखर दृश्य एटे पुनर्जीवित करा जाउती रंग दिया जाउची मार्च 17 रे पुनर्जीवित हब विजु बाबू को एही ऐतिहासिक डाकटा विमान उद्घाटन कार्यक्रम करिवार बद्ध कार्यक्रम रहिची भुवनेश्वर कैमरा पर्सन शुभम नंद हरप्रसाद विषोई रिपोर्टर स्टूडियो।